बहुत कमाल का पिज्जा बनता है यहाँ पे। नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे ना कि एक चीज होती है जिससे गलती करने वाले बड़ों को एक अच्छा लेसन मिल जाता है, फिर वो दोबारा मिस्टेक नहीं करते हैं। उका हमरा पुलिस का भाषा में थर्ड डिग्री कहते हैं, और जिसको लग जाता है ना उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। क्या लगता है, शिशन दिनों को भी देनी चाहिए थर्ड डिग्री? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा करनी वैसा भरनी, भर भर के डाला है मशरूम उसमें। बुलबुल पांडे, आप यहाँ आरव के साथ क्या कर रहे हैं और क्या खिला रहे उसे, इतना सारा जंक फूड? आप जानते हैं ना बच्चों की सेहत के लिए कितना खराब है। मैडम वो ब्राउन ब्रेड है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। आप भी लगता है ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। प्ले टाइम, प्ले टाइम। दीदी, इस प्ले टाइम। चलो पार्क में चल के खेलते हैं। अरे कौन है आप, कहाँ से? आप जाइए बाहर जाइए। गेट से चीते, चीते इधर आते, कौन आया? बाहर जाइए, बंदर कैसे? ए ब्रो, कौन कौन है ये? ए ब्रो, क्या चल रहा है यहाँ पर? चलो बाहर निकलो यहाँ से चुपचाप। खाने को तो, खाने को तो, अरे खाने का कुछ नहीं यहाँ पर, जाओ चलो बाहर निकलो यहाँ से। खाने को नहीं तो कुछ पीने को दे दो, पीने को दे दो। तुमको प्यार से हिंदी भाषा समझ में नहीं, बोल रहे ना, जाओ कुछ नहीं यहाँ पर। आप बहुत जिद्दी हो, आप जा सकते हो प्लीज। जाओ ना। हाँ जाता हूँ। आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जाओ। तो जाओ, जाकर भीख मांगो। अरे भिखारी समझाए काम को, भिखारी नहीं है। तो मैं कौन सा भिखारी हूँ? अरे मुझे देखकर लोगों के मुंह से निकले हाय 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 मिलो स्पाई। पिलोटे, हाँ मैं लौटा। बिल्लू जी, आप तो पहले से भी ज्यादा बास मार रहे हैं। पिलोटे, बिलोटे, लौटा हूँ मैं। का हालत बना लिया बिलोटे, तुम अपना, तुमको पता है बाबू, तुम पहले से भी ज्यादा भयंकर लग रहे हो, पहले से भी ज्यादा नरभक्षी, निशाचर, राक्षस, दानव आदि मानव जैसे लग रहे हो तुम एकदम। अरे ई का रे, इसका कलेजा खा कर आया है तुम, खून लगा हुआ है यहाँ पर। खून कहाँ लगा? यहाँ लगा है। यहाँ जी, अरे सॉस पड़ा हुआ था बाहर, तो चाट लिया। हाँ संतू जी फेंकी थी। हाँ थैंक यू संतू जी, बिलोटे उसी सॉस से सांस आई है। बिल्लू, हाँ माँ, तुम मुझे छोड़ के यहाँ चली आ गई माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ? नहीं 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 मेरे बच्चे बिल्लू। बैठ बाबू, तो बताओ इतने दिन कहाँ थे तुम? माँ ये पूछो मैं कहाँ नहीं था, वो कंटेंटेड कंटेनमेंट जोन। हाँ थैंक यू, वो जोन लगा तो आप इस दूसरे थाने में शिफ्ट हो गए। पलक झपकते ही मेरी लाइफ बदल गई, देखा तो मेरा परिवार नहीं, मेरी माँ नहीं। माँ भूख लगी, माँ खाने को दो माँ। हमें तुम माँ कहते हो ना, तो फिर माँ के होते हुए उसका बच्चा भले भूखा कैसे रह सकता है बताओ? हाँ माँ, माँ खाना खा लो। माँ हमको लगा मर खप गए तुम। ऐसा दो रोटियां अंदर जाने तो तुम्हें आग लगा दूंगा। वैसे दो ही रोटियां बची है, खा लो। माँ दो दिन पुरानी होती तो भी मैं खा लेता माँ। मेरे पास है दो दिन पुरानी, आप खाओगे? शांत जी, ये अभी तक नहीं बदली क्या? वक्त है रे बाबा, खाओ। तुम खाओ, बिल्लू खाओ। पेट भर गया ना? हाँ माँ, माँ माँ खाना हो गया। अभी बहुत दिनों से मैं सोया नहीं, तो सोने जाता हूँ अपने बिल्ली निवास में। हाँ हाँ
करिश्मा मैडम मेरे बिल्लू निवास में? अरे मैं कुछ दिनों के लिए थाने में नहीं था तो थाने की हालत क्या कर दी आपने? एसआई करिश्मा सिंह मेरे बिल्लू निवास में? चाबी दे दो, ताला खोलो, चाबी दे दो। चाबी नहीं है। चाबी नहीं मतलब? चाबी बुलबुल पांडे के पास है। हाँ। मेरा बिल्लू निवास और चाबी बुलबुल पांडे के पास, ये क्या चल क्या रहा है? बिल्ले सॉरी मैडम, क्या चल क्या रहा है यहाँ? हम आओ, बहुत हुआ बकैती, ठीक है ना, आओ और ये ताला खोलो आके, मैं लगा है, अर्जेंट है। अर्जेंट है? हाँ। संतोष जी पीन देना। दे। अरे यार ये कितने वक्त है। हाँ। ये मेरा बिल्डिंग निवास। अरे अरे हाँ, आप कहाँ जा रही है? हम भाग रहे हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत है उसमें? हाँ 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 हाँ। नहीं, आप चाहते कि हम जिंदगी भर यहीं पड़े रहे, बुढ़ा जाए यहाँ पे बैठ के, अपने तरीके से केस सॉल्व ना करें? मैडम सर तो चाहती ही नहीं है कि हम यहाँ से बाहर निकले और अपने तरीका से जिए। बोल देना भाग गई वो, हमने डरते किसी से, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे बोल देंगे भाग गए, हम आपको ऐसे नहीं करने देंगे। सॉरी, हमें हमारी ड्यूटी निभाना अच्छे से आता है, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ए बाबा कैसे रे, अंदर जा। ए मेरा बिट्टू निवास। तो यहाँ से कूद के भागी है सिस्टम दीदी। चुटकी काट दीदी। क्या बेबी थाना सेटिंग कर रहा है? ये कौन है? बिल्लू जी। कौन बिल्लू? चोर। चोर चुहाड़ है। थे 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 थे। हाँ चोर थे सर, लेकिन अभी एक फैमिली मेंबर जैसे ही है। हाँ। इन्होंने ही वो लॉकअप का लॉक खोला था। ओ। नहीं नहीं बंद कर दो इन्हें। मुझे? वाओ थैंक यू, मैं खुद बंद हो जाता हूँ। ये अंदर आने पे इतना क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि ये जेल बिल्लू का घर है, बिल्लू निवास। मतलब ये कोई इनके लिए पनिशमेंट नहीं हुई? हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। नहाया करो ना यार तुम। सर पॉइंट पे आते हुए हम कहना चाहेंगे कि पुलिस कस्टडी से भागना बहुत बड़ा अपराध होता है। होता है कि नहीं? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन हम जानते हैं कि एक कैदी का इस तरह कस्टडी से भाग जाना अपराध है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये सिस्टम का फेलियर भी तो है। अगर ये बात बाहर गई तो सबको तो यही लगेगा ना कि आप थाना इंचार्ज हैं, फिर भी आपकी कस्टडी में से एक अपराधी भाग गया। नाम तो आप ही का खराब होगा सर, नहीं? बात तो सही है मैडम सर, है ना? लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सिस्टम चलाना इतना आसान भी नहीं है। मिस्टर बुलबुल। यस सर। आप सिस्टम डीडी को ढूंढिए और जल्द से जल्द यहाँ लाइए, हम उन्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट देंगे। जरूर सर, आपने कहा और समझिए हो गया। लेकिन सर जी हमको एक बात पता नहीं चल रहा है, अगर करिश्मा सिंह ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? वही कीजिए जो पुलिस वाले करते हैं, इसमें पूछना क्या? यस सर। संतु क्या कहा? पीछे हो जा, ये जगह हमारी है। आपकी जगह मतलब जो बैठा उसकी जगह ना? पुष्पा जी मैं भी लाइन में थी ना। देखो हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। निरूपा रॉय के मुंह से बच्चन का डायलॉग। नहीं नहीं पुष्पा जी मैं यहाँ बैठूंगी। देखो ये जगह हमारी है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की। पता नहीं कब रास्ते में मैडम सर को हमारे राय मशवरे की जरूरत पड़ जाए, शायद कहीं रास्ता बता रही हूं। बैठिए आप लोग गाड़ी में, हम लोग अंदर बुलबुल और आरव है, उनके सामने हम बात नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको सिर्फ बात करने के लिए यहाँ बाहर लेकर आए। बैठिए गाड़ी में, जल्दी आओ। पुष्पा जी बैठो, आप खिसक लो अंदर। हो गया आप सबका? हो गया पुष्पा जी? अरे तब मुद्दे की बात करें क्या जरा? ओके तो अब ध्यान से सुनिए कि आप सबको क्या करना है।
आप लोगों को किसी भी तरीके से करिश्मा सिंह को कॉन्टैक्ट करना है और उनसे कहना है कि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर FIR की कॉपी गायब करे। एक बार अगर FIR की कॉपी गायब हो गई तो हम पर से सारी कानूनी बंदिशें हट जाएंगी। नहीं नहीं मैडम सर, मगर इसके लिए करिश्मा मैडम की क्या जरूरत है? ये काम तो हम में से कोई भी कर सकता है। नहीं, ये काम हम में से कोई भी नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ करिश्मा सिंह कर सकती है। हम सारी डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे, पहले आप उन्हें कॉन्टेक्ट करिए। पर कैसे मैडम सर, उनका तो फोन स्विच ऑफ है। हाँ, और कॉन्टेक्ट करने का दूसरा कोई तरीका भी नहीं है, चिट्ठी थोड़ी लिखाएगा मैडम सर। हम जानते हैं वो कहाँ है, सास है उनकी, हमें पता नहीं होगा तो और किसी होगा। ठीक है, तो आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट करिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, करिश्मा सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा आइडिया है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो दुनिया के किसी भी आइडिया पर काम करेंगे लेकिन हमारे आइडिया पर काम नहीं करेंगे। यही तो दिक्कत है ना करिश्मा जी की, ये जानते हुए भी कि वो आपके बिना कुछ नहीं है, आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती, ये बात वो कभी मानेंगी नहीं, उनके जुबान पर ये बात कभी आएगी नहीं। क्या वो जानती नहीं है आप ही ने कितने सारे केसेस सुलझाए हैं उनके? ऐसा नहीं है पुष्पा जी, करिश्मा सिंह हमारे बिना अधूरी नहीं है, वो खुद केपेबल है सारे केसेस सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, बहुत से केसेस हैं जिनमें उन्हें हमारी मदद लगी है, और बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो हम उनके बिना सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। जैसे कि वो बाइक वाला केस। हाँ, उस बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू CCTV वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुँचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। हाँ, वो तो है मैडम सर। एज अ टीम हमेशा हमें एक दूसरे के लिए ऐसे करते रहना चाहिए। करिश्मा सिंह भी हमारे लिए हमेशा ऐसा करती हैं, खड़ी रहती हैं हमारे साथ। अगर वो नहीं होती तो शायद ये थाना बंद हो जाता, हमारा ट्रांसफर हो जाता। आज अगर हम हैं, ये थाना है, इस थाने की इतनी अच्छी रेपुटेशन है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ करिश्मा सिंह का भी है। सिर्फ हाथ नहीं, ये पूरा प्लान है मैडम सर का, ताकि हमें लंबे समय तक लॉकअप में रख सके और बाहर के जितने भी केसेस आए ना वो खुद अकेले सॉल्व करे, ताकि जय जयकार अगर हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर की हो, जितना भी क्रेडिट हो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर ले जाए। वो चाहती है कि हमारा ये जानकीपुरम थाना बंद हो जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इन सब में ना हमें आप सबका जरूरत है, आप बताइए आप सब लोग हमारे साथ है या नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है मैडम, हम तो कब से आपके हो चुके हैं। क्या? नहीं मतलब हम तो कब से आपको अपना बॉस मान चुके हैं ना, आप जो कहेंगे ठीक वैसा ही होगा, एकदम पत्थर की लकीर की तरह। धन्यवाद। अरे मैडम, आप हमको ऐसे काहे देख रही हैं? अरे आप थाना इंचार्ज है, हम आप ही की तरफ रहेंगे ना, किसी और की तरफ थोड़े ना रहेंगे। राजवीर, इनका मोबाइल जब्त करो, पहले पूरा बात तो सुन लीजिए। जब तक ये केस नहीं निपट जाता है, जब तक आरव अपना कंप्लेन वापस नहीं ले लेता है, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का इतना सा भी जानकारी ना उस थाना तक पहुंचे या वो बुलबुल तक पहुंचे। समझ रहे हो बात को? अरे मैडम, हम ऐसा काहे करेंगे। एक मिनट ले लो। अरे यार तुम लोग जेब छोड़ो। अरे मोबाइल हाथ में है, जेब में क्या ढूंढ रहे हो? किसी का तजुर्बा याद आ गया हमें, वो कहती थी नाखून वाला जानवर और बहुत हंसने वाला इंसान जो होता है ना, वो धोखेबाज किस्म का होता है, कभी भी पंजा मार सकता है। एकदम सही बात कह रहे हैं मैडम आप। इसलिए आप शक के दायरे में तब तक रहेंगे चंपक जी, जब तक आप खुद को वफादार साबित नहीं कर देते। समझ रहे हमारे बात को? और फिर तो आप ठहरे बुलबुल जी के साले, तो हम आप पे कैसे विश्वास कर लें? राजवीर, राज कही है ना? क्या कही है ना, आप कुछ कह रही थी। चाय बोले। चाय अमाओ टोप आदमी, बाहर जाके चाय वाले से चाय बोलो, चाय पीने के लिए। अच्छा वो वाला चाय, अभी अभी बोल कर आते हैं। वो है ना वो हम उनके लिए गोलगप्पे लेकर आए थे और वो सारा का सारा पानी पी गई थी। पुष्पा जी आ रही है। पुष्पा जी यहाँ आ रही है? इसकी मैया का सासू मैया, कहाँ चुप है हम? मैडम वो पीछे अलमीरा। अरे माता जी आप यहाँ पर? और माता जी? पुष्पा जी आप यहाँ पर कैसे आई? करिश्मा जी कहाँ है? करिश्मा जी तो है ही नहीं, वो तो बाहर गई किसी काम से। अभी पता चल जाएगा। पुष्पा जी कर क्या रही हैं आप ये? दिख नहीं रहा है, खुशबू मार रहे हैं।
कितनी बदबू आती है यहाँ पे। अरे पुष्पा जी अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैडम के आने के बाद देखिए थाना कैसे चकचका गया है, अब तो हम लोग भी दो तीन दिन पे नहाते हैं क्या भाई है? देखिए बदबू आ रही है। अरे आइए आइए। मैं ये लीजिए, अच्छे दीजिए, जाइए। पुष्पा जी क्या बक लो ली, आपको पता है ये परफ्यूम से हमको छींक आता है, इसीलिए तो मारा ताकि आप बाहर आए। अमा लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहीं आएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, या ये कैसे पता आपको? रग रग से वाकिफ है आपकी, वैसे आप ही तो कहती है ना कि एक चालाक मुजरिम वही जाके छुपता है जहाँ उसकी छुपने की सबसे कम उम्मीद की जाती है। ये हमारा नहीं है पुष्पा जी, ये मैडम सर का डायलॉग है। याद है आपको हा? वैसे उनकी हर बात अगर आप याद रखती तो आज आप यहाँ नहीं मिलती। एक मिनट, पकड़िए, पकड़ कर इन्हें कहीं बंद कर दीजिए, इनका फोन जब्त कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप तीर की तरह जाएंगे और मैडम सर को सारा सच बताएंगी। पकड़िए, घेरिए इनको, पकड़िए, घेरिए। माता जी क्या, खबरदार खबरदार कोई आगे बढ़ा दो, देखो शिव जी के भक्त हैं हम, रात देखे यही भक्त कर देंगे, समझे? पुष्पा जी पकड़ो, क्या कर रही है? देखिए हम यहाँ आपको पकड़ने के लिए नहीं आए थे, आपकी मदद करने के लिए आए हैं। एक मिनट कहा पुष्पा जी, आप हमारा मदद, एक तो इसे हटाइए, आप हमारा मदद करने आई हैं? और नहीं तो क्या। हाँ आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। आप उस थाने से भाग तो गई है तो एफआईआर भी तो गायब करवा दीजिए ना, क्योंकि अगर एफआईआर गायब हो गई तो फिर आप पर कोई कानूनन बंदिश नहीं रहेगी, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं पुष्पा जी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तीतर के मुंह से कोयल कैसे कुकू कर रही है। नहीं आप हमारा मदद कैसे करेंगी, आप तो ठहरी परम भक्त मैडम सर की, हमारी दुश्मन। एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं है ये मैडम सर का नया प्लान है कुछ? हो सकता है मैडम। भाई जाइए काम कीजिए अपना, नहीं तो जाके चाय लाइए और 5 समोसे भी लेकर आना। हर बात पे मैडम सर की वजह से मैडम। अरे मैडम सर के अलावा भी दुनिया है, थोड़ा जाग जाइए आप। हम आपको इसलिए मदद करना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है उस बच्चे की वजह से आप खामखा एफआईआर के चक्कर में फंस गई हैं। खैर नेकी और पूछ अगर आपको नहीं चाहिए हमारी मदद तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। जय हिंद। नहीं पुष्पा जी एक मिनट आपको हमारा मदद करना ना तो आप वो एफआईआर रजिस्टर जो है वो आप गायब कर दीजिए। हम कर सकते थे अगर हम वहाँ हेड कांस्टेबल नहीं होते, रिपोर्ट रजिस्टर की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो फिर पूरा इल्जाम किस पे आएगा, हम पे। अगर आप थोड़ा सोचती ना तो ये भी समझ जाती बात। देखिए इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये ऐसा लगना चाहिए कि किसी चोर ने ये एफआईआर चुराई, इसलिए ये काम जो भी करे ना उसको थाने की और 2-4 चीजें कुछ चुराने के लिए बोल दीजिएगा, और अगर कोई आई विटनेस मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा, सारा टंटा ही खत्म। देखिए हमें जो कहना था हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी, हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। अब करो काम। यहाँ सबको लाने के लिए
आई नो फिर से पुलिस ट्रेनिंग जैसा फील करने में आप सभी को मजा आया होगा। अभी वक्त की पाबंदी लग गई है तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ऊपर से आपने थाना इंचार्ज की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीनियर बनकर ही उठानी पड़ेगी ना। आपको सिखाना भी है कि सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। तो अब तक सिस्टम दीदी यानी करिश्मा सिंह पकड़ी क्यों नहीं गई? मिस्टर बुलबुल आपने इस मामले में क्या काम किया है? अरे सर किए है ना, बहुत कुछ किया है। सारा इन्फॉर्मर्स को जो है वो एक्टिव कर दिया है, सारा सोर्सेज लगा दिया है। और ये देखिए करिश्मा सिंह के पोस्टर्स बनवाए हैं वांटेड के, सारा शहर में लगवा दिया है कोना कोना में। अब वो बच के कहीं नहीं जा सकती। सिस्टम दीदी के थाने वालों को चेक किया? किया ना सर, सबको चेक किया। अरे किसी को कुछ मालूम ही नहीं। और आपने क्या किया मिस हसीना? सर हमने हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा की मदद से करिश्मा सिंह के फोन को ट्रैक कर लिया है। क्योंकि ट्रैक नहीं हुआ होगा, राइट? राइट सर। सेम ओल्ड स्कूल, वही पुराने तरीके। इतनी से बात हम बच्चों को बताएं कि फोन ट्रैकिंग किसी को पकड़ने का सबसे इजी तरीका है। तो क्या ये बात सिस्टम दीदी को, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, उनको पता नहीं होगी? तो क्या उन्होंने अपना फोन ऑन रखा होगा? इसलिए तो हमारा सिस्टम फेल होता है ना। क्या हुआ मैडम सर, किसका खत है ये? करिश्मा सिंह का। क्या करिश्मा जी का? क्या क्या लिखा क्या इसमें? क्योंकि आपने आरब को हमारा हेड बनाया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम आपको जान से मार देंगे।